क्या तुमने कभी गाय का दूध निकाला है? नहीं। क्या तुमने कभी गाय नहीं, ये भी निकालता हूँ, ये गाय सामने खड़ी है। तूने यूं निकाल के डायरेक्ट पिया दूध? यार वो एक ना गांव में एक वो था मेरा दूर का रिश्तेदार, ठीक है, उसने मुझे बचपन में ना जबरदस्ती गाय का दूध पिला दिया ऐसे करके ना शहर के, कहा कि ये चेक करो ये चेक करो। ब्रो मैं रो पड़ा। अच्छा अभी हम वहां जा रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं कि यूं करके यूं पीते हैं दूध उसका। अरे ब्रो पेट खराब हो सकता है। आई वाज होपिंग यू वुड से कि नहीं यार हमारा रोजा है लेकिन चलो। वही एडिट करती हो। So a friend of mine, Amir, has invited us to his farmhouse. क्योंकि मैं मुर्गियों में invest करने लगा हूँ, मेरी मुर्गियाँ होंगी, फिर उनके अंडे होंगे, फिर मुर्गियों का फार्म खोलूँगा मैं, फिर ऑमलेट भी बनाऊँगा, सब कुछ करूँगा। So guys, to my right is my new business partner, Amir. मैं और तू इस फार्म के अंदर मुर्गियाँ रखेंगे। Is that correct? करोड़पति बनेंगे हम, 200 मुर्गियाँ रखेंगे जो 200 अंडे देंगी, फिर वो 200 400 अंडे देंगी और 400 800 बेसिकली डबल होता जाएगा हमारा जो नेटवर्थ है वो ऊपर जाती रहेगी एक्सपोनेंशियली। वो भी एग्जैक्ट एक्सपोनेंशियली। मुझे वो बिल्डिंग नजर आ रही है ना, हां फैंसी ग्लासेस, हां वो हमारी मुर्गियों का घर है। अच्छा आम मुर्गियां नहीं होंगी एक्चुअली। हां आ जाओ। जब आप जब मुर्गियां खरीदते हैं, एंड ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू गेट देसी मुर्गियां बिकॉज़ आई वांट टू ईट स्टार्ट ईटिंग देसी मुर्गियां नाउ, उससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती उन। ओ एक सेकेंड क्यों बॉयज, ये तो दुनिया चेंज हो गई है। अंग्रेज है क्या आपको पूछ कोई शह शूद हो क्या जी बटन चाहिए था एक है अंग्रेज वो नहीं का कोक चाहिए दी जी और इंग्लिश से बटन इंग्लिश सॉरी इंग्लिश कर देना। व्हाट इज ही सेइंग? टी टी मिल्क पानी होगा। Do you think this is a good enough place for 200 chickens? उनका ऑर्गेनिक का गुड सीन ही है कि जब ये यहाँ जाती है ना ये कीड़े मकोड़े भी खाती है तो उनकी अपनी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है जो Bro, this is so good. I can't wait. Amir, how long would you say it would take from like a baby chooza to a full-grown murgi? 3 to 4 months max. 3 to 4 months. तो खाने के काबिल हो जाएगा डेढ़ एक किलो का दाना मतलब किलो डेढ़ किलो. This boy comes. Yeah, I'm single. Work in progress. Work in progress. ओ देखी 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 ओए 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 पता तेरे I was about to fall and this guy instead of rescuing me he started recording golden content yaar super hit डर गया। ये तीन मुर्गियां ये 6 महीने पहले हम रोज दो अंडे दे रही है। अंडे दे रही है यार गुड यार अंडे है ना आज तक बस टांग तो नहीं मारेगी ना। Never get ये हाफ तक हाँ हाँ सीरियस।
खींचते नहीं है दबाते हैं वो उतार रहा उसे साइड से उतर आएगा भाई हाथ में आ जाएगा So we are back home with freshly produced milk from the cow. Hopefully, Harsher, tumhara feeder aur tumhari khushi aur tumhara doodh. So I hope you enjoy your feeder, yeah. enjoy your milk. I was just telling Harsher earlier ke for the first time my dad reacted in a negative way towards my vlog. Jo hum log ne kal vlog lagaya tha jiske andar Harsher feeder pee raha. Looks at the vlog and my dad comes and he goes like disgusting and then he just left you know he didn't say anything after that I was like okay dad sounds good but I'm sorry guys aap logo thoda sa aur bardasht karna padega kyunki Harsher ki jo feeder se love hai jo uski jo chaah hai wo kabhi khatam nahi hogi hopefully you guys are enjoying these vlogs I'm producing these really really fast so don't judge us too hard on the quality But I hope you guys are enjoying it. Agar as long as you guys are having fun, then we are having fun. And if we are having fun, then everybody is having fun. Pata nahi kya bolu. Ye cheeze kya dekho. But anyways, thank you so much for watching this vlog. Make sure that you like and subscribe. And we will, as always, catch you in the next one, which is, by the way, going to be tomorrow. Take care.